हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड वेलकम टू जार स्क्रिप्ट इन हंड्रेड डेज जी हाँ गाइस तो आज है हमारा थर्टी फर्स्ट डे एंड बिलीव मी आज का डे बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि फाइनली कुछ यूजफुल जॉब बहुत जगह यूज कर सकते हो एंड डैट इज ऑन पासवर्ड वैलिडेटर के ऊपर आज हम हमारा जो प्रोग्राम है आई मीन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाले लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कैसे अभी तक अगर आपने मेरे वर्ल्ड बेस्ट जास्क्रिप्ट कोर्स को चेकआउट नहीं किया पार्ट वन पार्ट एंड देन ई कॉमर्स वेबसाइट प्लीज कीजिएगा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला बहुत कुछ आपको सीखने मिलने वाला है एंड ये जो हमारा गाइस कोडिंग प्रॉब्लम है उसको तो आप जरूर टैकल कर ही सकते हो ठीक है सो वी नीड टू राइट अ फंक्शन कॉल्ड सिंपल पासवर्ड वैलिडेटर दैट टेक्स अ सिंगल पैरामीटर ओके जो कि एक सिंगल पैरामीटर ले रहा है बट पासवर्ड देख लीजिए ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द पासवर्ड टू बी वैलिडेटेड द फंक्शन शुड वैलिडेट द पासवर्ड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग क्राइटेरिया ठीक है तो कौन कौन से क्राइटेरिया जिसका फुलफिल होना जरूरी है तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पासवर्ड जो है वो वैलिड है तो सबसे पहले क्राइटेरिया आता है डेट द पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोअर केस वन अपर केस लेटर एंड देन वन डिजिट तो कम से कम एक अपर केस एक लोअर केस और एक डिजिट न्यूमेरिक इंटीजर वो होना जरूरी है एंड द लेंथ ऑफ द पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट मिनिमम एट कैरेक्टर्स का होना जरूरी है फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू इफ पासवर्ड मीट्स ऑल क्राइटेरिया अदरवाइज इट शुड रिटर्न फॉल्स ओके ए नॉन एमटी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द पासवर्ड टू बी वैलिडेटेड ट्रू या तो फॉल्स आएगा कॉन्स्टेंट में द इनपुट स्ट्रिंग पासवर्ड विल कंटेन ऑनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड पंचुएशन मार्क्स ऑनली चलो ठीक है ऑल तो गाइस नाउ इट्स एन ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस टू ट्राई योर जावास्क्रिप्ट नॉलेज सो पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई योर सेल्फ जी हाँ गाइस तो मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी आप वीडियो को करो पॉज एंड खुद से कोशिश कीजिए कि कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि तो पासवर्ड का जो लेंथ है वो मिनिमम एट कैरेक्टर्स कैसे हो सकता है आई गेस ये तो आप बहुत ईजिली टैकल कर लोगे देन आपको ये चेक करना है कि क्या उसमें एटलीस्ट कोई भी एक लेटर या कैरेक्टर लोअर केस का है या नहीं अपर केस का है या नहीं या उनमें से कोई एक भी डिजिट है या नहीं वन बाय वन आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए एंड देन उनको एक साथ मिला के देखिए कि कैसे आप ये पासवर्ड वैलिडेटर बना सकते हो एंड बिलीप गाइस ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको एक साथ लिखना है यहाँ पे इसको करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं एंड आई गेस मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बताया था जहाँ पे मैंने ये दिखाया था कैसे आप ये पता लगा सकते हो कि कोई भी Uh, अगर वर्ड uh, या लेटर या करेक्टर मैं आपको देता हूँ तो वो अपर केस है या नहीं या वो लोअर केस है या नहीं आई गेस वो ऑलरेडी हम कर चुके राइट right? अब मुझे वो दिन तो कौन सा है वो याद नहीं है ना क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ही तो नहीं लिखा यहाँ पे बट मुझे अच्छे से याद है हमने वो ऑलरेडी टैकल किया हुआ है ये तो मेन मोड मीडियम है बट जो भी होगा इस मैं देखता हूँ उस पर बट हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं कि वो लोअर केस है या नहीं या अपर केस है या नहीं चलो वो तो हमने कर लिया था तो ये आपके लिए अच्छी बात है बट आप ये कैसे पता लगाओगे कि वो डिजिट है या नहीं एटलीस्ट एक भी डिजिट प्रेजेंट है या नहीं तो अब इन तीनों को आपको एक साथ चेक करना है इंडिविजुअली तो हम कर सकते हैं लेकिन एक साथ आप कैसे चेक करोगे कि चलो ठीक है लोअर केस है डन उसके बाद क्या अपर केस भी है डन क्या डिजिट भी है तो ये आप कैसे कर सकते हो वो मुझे देखना है तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई करके कमेंट uh, कीजिएगा मैं जरूर चेकआउट करूंगा बट अभी मैं अपना तरीके से आपको करके बताता हूँ ठीक है एंड एक और चीज़ ये जो जासके वीडियो इसमें आई गेस इस पे या इस पे या आई थिंक जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा है उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कैसे कोई भी कैरेक्टर्स है उसका हम आज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उस वैल्यू की मदद मतलब से ये देख सकते हैं क्या वो अपर केस या लोअर केस है या नहीं ठीक है मैंने क्यों पहले बताया क्योंकि मैं आपको उसके थ्रू करके बताने वाला हूँ सो इट्स अ पासवर्ड वैलिडेशन ठीक है जूम कर देता हूँ ऑल सो हम एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं यहाँ पे सो लेट्स को विथ पासवर्ड लिख देता हूँ तो मैंने एज अ पैरामीटर में उसको गेट कर ली ठीक है सो नाउ माई पासवर्ड विल कंटेन ये 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 वाली वैल्यू ऑल राइट तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें है वेरिएबल्स जो मैं लेके रखना चाहूंगा क्यों क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिंग uh, है इन जस्ट क्रिप्ट एवरी थिंग इज एन ऑब्जेक्ट वो हम सबको मालूम है एंड वो ऑब्जेक्ट इसलिए कहलाता है इवन स्ट्रिंग इज एन ऑब्जेक्ट क्यों क्योंकि मैं इसको इक्टिवेट कर सकता हूँ मैं जैसे फॉर ऑफ लुपीज में यूज कर सकता हूँ फॉर और लेट कैरेक्टर ऑफ माय पासवर्ड अगर ये मैं कर दूं एंड कंसोल डॉट लॉक करके अगर मैं कैरेक्टर आपको दिखाऊं सो so, uh, फिलहाल के लिए ये जो तीन है इनको मैं कंसोल कर देता आई मीन कमेंट आउट कर देता हूं तो अब अगर मैं यहां पे पर चलते इसको क्लीन करके वन मोर टाइम रन करता हूं तो आप देख सकते हो डैट आउटपुट फॉल्ट क्यों बता रहा है भाई एक सेकेंड ये ये नहीं आना चाहिए कंट्रोल सेव कर रहा हूँ फिलहाल के लिए एंड मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आउटपुट रेफरेंस एरर इज़ नॉट डिफाइंड ये पासवर्ड वैलिडेशन आ गया सॉरी यहाँ पे फंक्शन का <laughs> फंक्शन का नाम ही कुछ और था चलो कोई नहीं मैं यहाँ पे चलता हूँ मैं इस तरीके से रन कर तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ए एफ के डी एस एफ ए डी आप देख रहे हो मुझे इंडिविजुअल डेटा आ रहा है आई I मीन mean, कितनी इजीली मैंने इसको, इसको स्प्लिट नहीं की हर बार हम क्या कर रहे थे हम स्प्लिट कर रहे थे यू कैन यूज़ द स्प्लिट मैथड ऑल्सो बट विदाउट स्प्लिटिंग भी हम डायरेक्टली लाइक like, इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग भी तो आपका एक ऑब्जेक्ट है एंड वी कैन यूज द फॉर ऑफ लूप सिंपल राइट इटरेटर तभी वो कहलाता है एंड ये सब मैंने ऑलरेडी अपने जारक्रिप्ट कोर्स में बताया था तो मेरे पास जब इतने सारे वैल्यूज आ चुके हैं इंडिविजुअली तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ ना इफ मेरा ये जो कैरेक्टर का जो कैरेक्टर कोड ऐड करके एक जो मेथड है कैरेक्टर कोड एड इसमें मैं जीरो ऐड कर इट मीनस फर्स्ट इंडेक्स नंबर हालांकि ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि ये तो एक ही है है ना अगर ये बड़ा है या इक्वल टू है 65 से एंड वापस हम फिर से कैरेक्टर डॉट कैर कोड एट अगर फिर से जीरो अगर ये छोटा है या बराबर है 90 के तो जब भी आप कैरेक्टर कोड की बात करते हो एंड अगर आप वैल्यू में पास कर रहे हो 65 से बड़ा या उसके बराबर एंड 90 के बराबर या उससे छोटा तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो आपका एक लोअर केस है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा एक वेरिएबल में मैं उसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा मतलब कोई एक भी अगर ट्रू हो गया मीन्स ट्रू खत्म ठीक है सो मैं अब यहाँ पे चल रहा हूँ ध्यान से देखना लेट हैज लोअर केस इक्वल टू मैं फिलहाल के लिए फॉल्स करूंगा बाई डिफॉल्स सबको फॉल्स करने वाला हैज अपर केस ठीक है इसको भी मैं फॉल्स कर रहा हूँ एंड देन लेट हैज़ नंबर अगेन इसको भी मैं फॉल्स कर दे रहा हूँ चलो परफेक्ट सो so, अगर ये ट्रू होता है राइट right? देन मैं क्या करूँगा हैज लोअर केस की वैल्यू को मैं ट्रू करने जा रहा हूं और ऑल राइट परफेक्ट अगर ये हुआ तो एल्स इफ देखो अगर ये ट्रू हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई I मीन mean, ये बाहर चला गया ना डायरेक्टली निकल गया बाहर एल्स अगर ये ट्रू नहीं होता है तो वो इसके पास आएगा वो किसके पास आएगा इस पर्टिकुलर एल्सिप के पास आएगा जहां अगेन मैं ये वाला जो मेरा पर्टिकुलर कंडीशन है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन मैं पेस्ट कर दूंगा दिस टाइम मुझे इसको चेक करना है कि वो अपर केस है या नहीं एंड वेन इट कम्स टू योर अपर केस देन गाइस आपकी जो वैल्यू है वो 97 से लेके वो 122 तक रहता है ठीक है 97 से ले ए आई गेस वन सेकेंड वन सेकेंड एक काम करता हूँ ये वाला जो है सो so, ए इज सिक्सटी फाइव जेड इज नाइन्टी ऑल आइटिया दिस इज इट मैं यही चाहता था देखना कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा करूँ आप देख सकते हो यहाँ पे कोड मुझे दिख रहा है बहुत क्लियरली फॉर लेट सिक्सटी एक सेकेंड ये आई गेस गैस ये आपकी में प्रॉब्लम है या सिर्फ मेरे में प्रॉब्लम है अगर आप ध्यान से देखोगे ये देखो गूगल पे आप जब भी सर्च करते हो तो हमें उसकी वैल्यू मिलती ही नहीं है लाइक like, मुझे इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ रहा है एल्स इंस्पेक्ट पे जाके कलर क्या है यहाँ पे देखो ना भाई कलर तो दे देता कुछ ढंग का है ना ये देखो ये करते तब जाके वो आ रहा है एल नहीं आने वाला वो अब देख रहे हो ये ये अब द मोमेंट में रिफ्रेश करूंगा वो चला जाएगा तो ये गूगल को थोड़ा देखना पड़ेगा ये कि क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से जो भी हो बट ओ माय गॉड देखो यहाँ पे A की 65 ए Z की वैल्यू सिक्सटी फाइव जेड की वैल्यू नाइनटी इट मीनस वो कैपिटल लेटर है सो so, ये जो भी था हैज अपर केस होगा यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ यार गलत लिख रहा हूँ क्या ना यहां पे आके अब आपका ये ट्रू होगा अगर इसके बीच में रहता है तो इसको मैं एक बार हटा दो तो कुछ वो ऐसा दिख रहा है एक लाइन में ठीक है सिंपल हमने चलाया अगर इसके बीच में रहा तो अपर केस अगर जो भी वैल्यू हमने पास कर रहे अगर वो अपर केस में नहीं है तो वो इस वाले कंडीशन में जाएगा क्या वो लोअर केस में था ओके ठीक है अगर इसमें भी नहीं है अगर वो लोअर केस में भी नहीं था तो वो अब इस कंडीशन में जाएगा जहां पे मुझे ये देखना है क्या वो डिजिट है या नहीं अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कैसे फाइंड आउट करूं मैं कि वो डिजिट है या नहीं क्या वो एक नंबर है या नहीं तो क्या आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना इन जावस्क्रप्ट वी हैव वन कंडीशन कंसोल डॉट एक सेकेंड कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ नंबर राइट ये मैंने लिखा एंड मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स से थापा ठीक है मैंने ये लिख दिया तो इज नॉट अ नंबर तो ये जो भी वैल्यू मैंने पास की है क्या वो नंबर नहीं है इज नॉट अ नंबर है ना अगर वो नंबर नहीं है तो ट्रू वैल्यू आएगी मुझे मैं इसको हटाता हूँ एंड रन करता हूं तो ऑल राइट right, मुझे यह ऑब्वियसली ट्रू आ रहा है बट वो फंक्शन को डिफाइन नहीं किया ना इसलिए मुझे वो आ गया बट यहाँ पे देखोगे आई एम गेटिंग अ वैल्यू ट्रू क्योंकि ये नंबर नहीं है बट अगर आप नंबर पास कर देते हो यहाँ पे लेट्स फाइव इज नॉट अ नंबर क्या फाइव नंबर नहीं है बट ये तो नंबर है सो so हमें क्या आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा देखो मुझे फॉल्स आ गया लेकिन मुझे अगर ये पता लगाना हो कि मैंने जो वैल्यू पास की है वो नंबर है या नहीं तो अगर इसको मैं नॉट ऑपरेटर यूज कर दूंगा तो फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स है ना तो अब ये क्या हो गया तो अब हमारा कंडीशन ऐसा हो गया कि क्या ये जो फाइबे नंबर है या नहीं अगर है तो ट्रू आएगा नहीं है तो फॉल्स आएगा तो इट्स अ ट्रू मैंने बिकॉज यहां पे नॉट ऑपरेटर लगा दिया इसका सिंपल मतलब बस यही है कि क्या ये नंबर है या नहीं अगर आप नॉट ऑपरेटर लगा देते हो सो so गाइस आप देख सकते हो कि इसको मैंने कमेंट कर दिया बाकी सबको अनकमेंट कर दिया तो बस यहां पे वही है ज नॉट अ नंबर एंड कैरेक्टर में पास कर दूंगा वो ठीक है बट आप देख सकते हो ना यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो अगर इस मेरे जाप्ट के कोर्स में मैंने सबसे पहले ही आपको दिखाया था कि टाइप कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हो ठीक है जिसमें स्ट्रिंग टू नंबर या नंबर टू स्ट्रिंग मैंने सिंपली नंबर लिख दी पार्सेंट या पार्स बहुत अलग अलग तरीके जिसके थ्रू आप कर सकते हो बट मैंने ये लिख दिया अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ तो अगर ये ट्रू रहा अगर वो नंबर है तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी ट्रू दिस इज इट ठीक है तो हमने चेक की सबसे पहले क्या वो लोअर केस आई मीन अपर केस है या नहीं अगर नहीं है तो क्या वो लोअर केस है या नहीं अगर वो भी नहीं है तो क्या वो नंबर है या नहीं तो क्या इस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं एंड एट सिंपल कंडीशन में अब ये लगाऊंगा अगर वो लोअर केस नहीं रहा क्या एंड अगर वो अपर केस भी नहीं रहा एंड अगर वो एक नंबर भी नहीं रहा समझ रहे हो एंड एट दी एंड में एक फाइनल जो अभी तक हमने टैकल नहीं की क्या उसका जो कैरेक्टर की लेंथ है मिनिमम एट होनी चाहिए सो पासवर्ड डॉट एल ई एन जी टी एच एल ई एन जी टी एच अगर वो लेस देन एट रहा सिंपल है ना देखो कितना ईजी है अगर वो लोअर केस नहीं है या अपर केस में नहीं है या यहाँ पर एक नॉट ऑपरेटर आएगा अगर वो नंबर भी नहीं है या अगर वो पासवर्ड उसका जो है पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन एट देन हम यहाँ पर रिटर्न क्या कर देंगे गाइस सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे सिंपल राइट एंड यहाँ पे अगर आके हम सिंपल क्या कर देंगे रिटर्न ट्रू खत्म मेरा काम हो गया मेरा काम हो गया हमें खाली ट्रू या फॉल्स में डेटा देना था राइट right? ये हमने ऑलरेडी ट्रू 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 कर दी यहाँ पे जस्ट चेक कर रहे करे क्या अपर केस है या नहीं या लोअर केस है या नहीं या आई मीन वो नंबर है या नहीं अगर तीनों रहा तो अच्छी बात है अगर तीनों में से कुछ भी एक अगर नहीं रहा समझ रहे हो तो गाइस हमें उसकी एरर आने वाली फॉल्स आ जाएगा वो सिंपल देखो ना यहाँ पे क्योंकि हम और ऑपरेटिव करें इन चारों में से अगर एक भी नहीं रहा तो वो फॉल्स हो जाएगा एल्स अगर सभी फुलफिल हो गया तो इट्स अ ट्रू सो अब फाइनल गड़ी आ चुकी है थ्री टू वन एंड बुम गाइस सो इट्स अ फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड देन ट्रू क्यों ये दो तो फॉल्स है नो प्रॉब्लम ठीक है क्योंकि अपर केस नहीं है इसमें भी अपर केस नहीं है इसमें लास्ट का ए एक अपर केस है एंड देन वन है एंड यहाँ पे भी एक वन एंड देन एक कैपिटल uh, ए है सो so गाइस इस तरीके से आपका ये पासवर्ड वैलिडेटर आपको एक सिंपल पासवर्ड वैलिडेटर भी आप इसे कह सकते हो लेकिन उसको करने के लिए आपने देखा ना हमने कितना कुछ किया हमें पता चला कैरेक्टर कोड एट 65 से 90 के बीच में अपर केस आई मीन या अपर केस है 97 से 122 के बीच में लोअर केस है नंबर है यानी वो हमें पता चला कि कैसे हम फिगर आउट कर सकते हैं सारे के सारे कंडीशन को एक साथ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू कैसे रिटर्न करा सकते हैं एंड ऑल ठीक है सो दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड फाइनली अब आपको लगा होगा हम थर्टी फर्स्ट डे आज हमारा थर्टी वन तो कुछ यूजफुल आपको लगा होगा धीरे धीरे हम अपना जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे अभी भी बहुत बाकी है ये तो सिर्फ थर्टी परसेंट कवर हुआ अभी तक ठीक है सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा आपके मन में कुछ भी डाउट है या अगर आप कोई दूसरा प्रोग्राम है जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वन मिलियन सब्सक्राइबर्स तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिपदिन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर